हेलो बच्चों सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और जो आपकी तैयारी नीट 2022 के लिए है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी तो जैसो बच्चों कल शाम वाले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो अन अकेडमी पर क्रैश कोर्स जो है हमारा वो चार मई से हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चार मई से स्टार्ट हो रहा है और उसकी प्राइस सिर्फ हमने उन्नीस रखी है तो जो भी सत्तर दिनों में जबरदस्त तरीके से तैयारी करके साढ़े तीन सौ से ऊपर नंबर बायोलॉजी में लाना चाहता है और मेरे मेंटरशिप के साथ जुड़ना चाहता है तो अब देर मत कीजिएगा उन्नीस सौ निन्यानवे रुपए उसकी कॉस्ट हो गई है और उसमें आप मेरा रेफरल कोड अगर आप प्रथम डालेंगे तो उसमें दस प्रतिशत और डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो उसकी बात हम बाद में विस्तार से करेंगे स्पेशल क्लास की डिटेल्स भी आज बता दूंगा लेकिन आज का वन शॉर्ट सेशन जो है हमारा वो आपने देख ही लिया होगा किस पर आधारित है कॉकरोच पर तो एक से दो सवाल नीट में कॉकरोच पे आते हैं बच्चों हर साल एक या दो प्रश्न नीट में कॉकरोच पर आएगा और वन शॉर्ट में इस पूरे इस सेशन में हम लोग कॉकरोच पूरा पढ़ लेंगे पूरी एनसीईआरटी से संबंधित हर बिंदु में आपको यहां पर लिखवा भी दूंगा ठीक है बच्चों तो क्लियर है सबको अरे विशाल जी क्या बात है बहुत अच्छा हाँ सवाई जी तीन महीने जब तक नीट का एग्जाम बिल्कुल बेटा और उसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लोगे ना तो आपको दस परसेंट एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा बहुत फायदा है यार इतने से नॉमिनल फीस में अगर आपको तैयारी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है बहुत सही जगह हो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हम पढ़ेंगे उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा ठीक है भाई चलो तो शुरुआत करें बच्चों कॉकरोच या तिलचट्टे की कॉकरोच हम हम पढ़ने जा रहे हैं नए स्टूडेंट्स हैं भाई सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सेशन को थोड़ा लाइक like कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा तो जिसको फायदा पहुंचना चाहता है वहां तक पहुंच जाए भाई ठीक है आपको लग रहा है कि वन शॉट बहुत को बहुत फायदा दे रहे हैं का, काफी मेरे पास कल परसों स्क्रीन भेजे बच्चों ने कि सर आपने जो वन शॉट सेशन लिया है उसके बाद हमने अलग अलग जगह पर मॉक टेस्ट दिए हैं और सारे सवाल सही हो जाते हैं तो देख लो बच्चों वन शॉट से आपको इतना फायदा हो रहा है एनसीआरटी पूरी कवर हो रही है तो क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप हमेशा दुआएं देंगे और बोलेंगे कि सर जैसा जैसा आपने बोला था जैसा जैसा आपने बताया था नीट में ठीक वैसे ही प्रश्न बने थे ठीक है हलवा हो जाएगी बायली जी ठीक है बच्चों चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कॉकरोच तो पहली चीज तो आपको कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कॉकरोच का आपको सबसे पहले तो फाइलम पता होना चाहिए तो हमें पता है बच्चों कॉकरोच का फाइलम क्या होता है आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ सबसे बड़ा फाइलम ही कौन सा है आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा के विशेष लक्षण भी बच्चों यहां पर याद रख लेना आर्थ्रोपोडा में हम कौन से बात करते हैं विशेष रूप से इनमें संयुक्त उपांग मिलते हैं आर्थ्रोपोडा का विशेष लक्षण में क्या है जॉइंटेड अपेंडिजेस यानी संयुक्त उपांग होते हैं बच्चों और बही कंकाल किससे बना होता है जरा बताओ तो एक बार जो आर्थ्रोपोडा में बही कंकाल किससे बना होता है भाई कौन बताएगा अरे जो चार मई से क्रैश कोर्स चालू हो रहा है ना उसमें हर टॉपिक होगा भाई अस्सी दिनों में सत्तर से अस्सी दिनों में हर चैप्टर वन शॉट क्या बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा काहे टेंशन ले रहे हो भाई कैल्शियम कार्बोनेट प्रहलाद जी आर्थ्रोपोडा का बही कंकाल में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आएगा बेटा काइटिन आता है याद रखना भाई बही कंकाल किससे बना होता है काइटिन से कैल्शियम कार्बोनेट का बही कंकाल यहां नहीं आएगा बेटा ठीक है तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है सबसे पहले मैंने बता दिया फाइलम आर्थ्रोपोडा है आर्थ्रोपोडा के लक्षण भी बता दिए हैं यहां पर फिर क्लास कौन सी होती है बच्चों कॉकरोच के फाइलम के बाद वर्ग आता है यानी क्लास क्लास कौन सा होता है इंसेक्टा यानी कीट कौन सा कॉकरोच का कीट या इंसेक्टा क्लास है और कीट का विशेष लक्षण क्या होता है बच्चों कीट का सबसे प्रमुख लक्षण होता है इनमें तीन जोड़े टांगे या तीन जोड़े लेग्स पाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों सारे पॉइंट याद रखना नीट में सवाल छपेगा ना तो इसी में से छपेगा याद रख लेना तीन तीन जोड़े जोड़े लेग्स जिसे हम किस नाम से जानते हैं हैं अगर तीन जोड़े है, तो कुल कितनी टांगे हो गई छह किसका विशेष लक्षण है कीटों का हर कीट में बिना किसी अपवाद के तीन जोड़े टांगे होती हैं ठीक है किसी में एंटी ने होंगे किसी में नहीं होंगे वो सब ठीक है लेकिन हर कीट में बिना किसी अपवाद के तीन जोड़े टांगे पंख किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं लेकिन टांगे तीन जोड़े सभी कीटों में मिलेंगी हेक्सापोडा क्लियर है बच्चों फिर आपके पास वंश गण भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं इसका गण आप ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा और गण अगर आप याद रखना चाहते हैं तो गण इसका हो गया ऑर्थोप्टेरा और जिस वंश की हम बात करेंगे बच्चों यहां पर वो है पेरी प्लेनेटा वो क्या है पेरी प्लेनेटा देखो बच्चों सारी चीजें बता दूंगा वन शॉट में मैं कोई चीज नहीं छुड़ाता हूं हर चीज बता देता हूं आपको ध्यान रखना है तो ये आप अच्छी तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाइलम मैंने आपको बता दिया आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा के दो विशेष लक्षण बता दिए संयोग उपांग है बही कंकाल काइटिन से बना हुआ है वर्ग क्लास इंसेक्टा बेटा मनीषा जी स्पेशल क्लास इसी के होगी बेटा इसी के कराऊंगा ये चैप्टर वन शॉर्ट कराता हूं वन शॉर्ट चैप्टर कराने के बाद स्पेशल क्लास पे इसके एमसी करा देता हूं थ्री डिग्री तैयारी करवा रहा हूँ यार और क्या लोगे बताओ वन शॉट में पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स में आपको लिखा देता हूं जो भी नीट में आने वाले सवाल है वो भी बता देता हूं उसके बाद इसके एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यूज भी स्पेशल क्लास में करा देता हूं तो सबको कर ही रहे हैं यार फिर भी थोड़ा शेयर वेयर करो आप ऐसे बताओ लोगों को कि बहुत बढ़िया चल रहा है हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए ठीक है कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है कहां पर फलाना ढिमका कहां पर क्या हो रहा है कितनी चीजें बताई जा रही हैं काम की चीज पढ़नी है नीट से संबंधित एग्जाम में आने वाली चीजें सटीक तरीके से पढ़ रही हैं तो इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा यह गारंटी है मेरी ठीक है भाई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों सब फाइलम बता दिया क्लास बता दी गण बता दिया जीनस बता दिया है आर्थ्रोपोडा के विशेष लक्षण कीटों के विशेष लक्षण बता दिए हैं अरे लक्ष्य बैच में आओ तो सही भाई थोड़ा दोस्तों वोस्तों को जोड़ोगे तो बहुत मजा आएगा उसमें तो बात भी कर सकते हो आप मेरे से वन ऑन वन पर्सनल गाइडेंस मिलेगी यार ठीक है बच्चों चले आगे ये तो आपने स्क्रीन भी इसका ले लिया होगा आई गैस अब मैं आगे ले रहा हूं अब अपन सबसे पहले कॉकरोच की बाह्य आकारि की यानी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे हम सबसे पहले किसकी की बात करने वाले हैं यहां पर बाह्य आकार की या कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे ठीक है बच्चों अब बाह्य आकारिकी या मॉर्फोलॉजी में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो बही कंकाल है ठीक है इसका जो बही कंकाल है वो हमने कहा है काइटिन से बना होता है हमने देख लिया कॉकरोच का जो बही कंकाल है बच्चों कीटों का बही कंकाल आर्थ्रोपोडा का बही कंकाल किससे बना होता है काइटिन के और प्रत्येक खंड में कॉकरोच के प्रत्येक खंड का जो काइटिन का बही कंकाल है उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों प्रत्येक खंड में जो काइटिन का बही कंकाल या एक्सोस्केलेटन है उसको स्क्लेराइट्स कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों उसको स्क्लेराइड्स कहते हैं तो बाह्य आकारिकी में जब आप कॉकरोच को देखते हो तो उसका जो बही कंकाल भूरे रंग का आपको तो बही कंकाल दिखता है वो काइटिन से बना है और हर खंड में प्रत्येक खंड में काइटिन के बही कंकाल को क्या कहते हैं स्क्लेराइड्स अब देखो बच्चों ये कॉकरोच है तो कॉकरोच की जो ऊपर वाली सतह है वो पृष्ठीय होती है और नीचे वाली सतह होती है वो अधरीय होती है है ना यानी पृष्ठीय भाग पृष्ठीय भाग के स्क्लेराइट्स को क्या कहेंगे पृष्ठीय यानी डोर्सल भाग के को कहते हैं टर्गाइट्स ये याद रखना एनसीआरटी में दे रखा है बच्चों और अधर्य भाग अधर्य भाग के स्क्लेराइट्स यानी बही कंकाल को क्या कहते हैं स्टर्नाइट्स ये सारे बिंदु एनसीआरटी में है बता रहा हूं क्लियर है बात ये सारे बिंदु एनसीआरटी में है ठीक है तो बही कंकाल किससे बना हुआ है काइटिन से अरे इरफान जी पूरा पूरा सेंटेंस लिखूंगा तो वन शॉट में कॉकरोच कैसे होगा बेटा वन शॉट में रिवीजन करना है ना तो सारे पॉइंट्स बता रहा हूं क्या करते हैं पूरा सेंटेंस यहां हिंदी की भाषा थोड़ी पढ़ानी है बेटा नीट से संबंधित चीजों को पता होना चाहिए ना तो वन शॉट का मतलब रिवीजन करने आए हो ना यहां पर तो पृष्ठीय भाग के स्क्लेराइड को क्या कहेंगे बच्चों टर्गाइट और अधरीय भाग के स्क्लेराइड्स को क्या कहेंगे स्टर्नाइट्स और ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं पृष्ठीय भाग का जो काइटिन बही कंकाल है अधरीय भाग का जो बही कंकाल है दोनों एक दूसरे से एक झिल्ली के द्वारा जुड़ा होता है आर्थरॉइडल मेम्ब्रेन किससे जुड़ा होता है भाई आर्थरॉइडल मेंब्रेन तो दोनों सतह स्क्लेराइट्स आर्टिक्यूलर झिल्ली किससे जुड़े होते हैं बच्चों आर्थरॉइडल झिल्ली से जुड़े होते हैं ठीक है एनसीआर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं और नीट में एक सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा यह और गारंटी है याद रखना तो काइट बही आकारिकी में बही कंकाल किससे बना हुआ है बच्चों काइटिन से प्रत्येक खंड प्रत्येक खंड में काइटिन का बही कंकाल होगा उसको स्क्लेराइट कहेंगे जो पृष्ठीय भाग वाला है ऊपर वाले भाग वाला स्क्लेराइट टर्गाइड कहलाएगा नीचे वाला अधर्य भाग के स्क्लेराइड को स्टर्नाइट कहेंगे दोनों एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होंगे आर्थरॉइडल झिल्ली के द्वारा जुड़े होंगे क्लियर है बात क्लियर है बात नहीं विशाल जी उतना बेसिक याद रखना बेटा बेसिक्स जो है ना आर्थ एनलिडा के और एम्फीबियंस के उतने याद रखने हैं मतलब जोड़ने वाली झिल्ली उसका नाम है आर्थर आर्टिक्यूलर मतलब ये जोड़ के रखती है आर्टिक्यूलर मतलब जोड़ने वाली और नाम है आर्थरॉइडल झिल्ली हा पार्श्व वाले जो पार्श्व भाग के स्कलेराइड्स हैं उसको प्लूराइड कहते हैं बट एनसीआरटी में दे नहीं रखा वो ठीक है यहां पर आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो पार्श्व भाग के स्क्लेराइट्स को आप प्लूराइट्स भी कह सकते ठीक है बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट अरे रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद चलें आगे फिर ठीक है बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका फिर हम आगे चलते हैं फिर हम आगे चलते हैं ठीक है बच्चों तो याद रखना ये जो काइटिन का बही कंकाल है जो हर खंड में काइटिन का बही कंकाल है उसको स्क्लेराइड कहेंगे अब देखो बच्चों अब कॉकरोच का जो मुख्य काय है कॉकरोच का जो मुख्य काय है मेन बॉडी है उसको अपन तीन भागों में विभाजित होती है कितने भागों में विभाजित होती है बच्चों तीन भागों में विभाजित होती है तीन भागों में विभाजित कौन कौन सा बच्चों हेड यानी सिर थॉरेक्स यानी जिसे कहते हैं वक्ष और एबडमन जिसे कहते हैं उदर तो मुख्य काय कॉकरोच की जो मुख्य काय है जो कॉकरोच की मेन बॉडी है कितने हिस्सों में डिवाइडेड है सिर है वक्ष है उदर है सही बात है अब सिर में याद रखना है बच्चों आपको भ्रूणिया अवस्था में कॉकरोच की हम बात करें तो भ्रूणिया अवस्था में सिर में छह खंड होते थे थॉरेक्स में तीन खंड है और उधर में ग्यारह खंड होते थे किसमें भ्रूणी अवस्था में लेकिन जब वयस्क बनता है बच्चों जब एडल्ट बनता है तो छह खंडों के संलयन से छह खंड संलयित होकर फ्यूज होकर एक ही खंड रह जाता है तो यह भी सवाल आ सकता है बच्चों की कॉकरोच का जो सिर है एनसीआरटी में दे रखा है कॉकरोच का सिर कितने खंडों के संलयन से बना है छह खंडों के संलयन से वक्ष में तो तीन खंड पहले भी थे और एडल्ट में भी तीन खंड रहते हैं और उधर ग्यारह से कितने खंड में परिवर्तित हो जाता है 10 खंड में तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एनसीआरटी में सिर्फ यह पॉइंट लिखा हुआ है जो कॉकरोच का सिर होता है वो छह खंडों के संलयन से बना होता है तो छह खंड तो भ्रूणी अवस्था में होते हैं और ये छह के छह खंड संलयित होकर एक सिर बना देते हैं कॉकरोच में भ्रूणी अवस्था में और वयस्क में एडल्ट में और एम्ब्रियो में दोनों में वक्ष में तीन ही खंड होंगे उधर में भ्रूणी अवस्था में ग्यारह खंड होते हैं अब वो कितने रह जाते हैं दस खंड रह जाते हैं क्लियर है भाई क्लियर है बात सबको इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है भाई कॉकरोच जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया है अच्छा रोहित जी बहुत बढ़िया बेटा तो अब एक एक करके बात करेंगे कॉकरोच के एक एक हिस्से की बात करेंगे बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया बच्चों बहुत बढ़िया भाई अरे हां मेल और फीमेल दोनों की ही बात हो रही है अंतर तो बता दूंगा अभी अब सबसे पहले अपन कॉकरोच के बात करेंगे बच्चों हेड की कॉकरोच के किसकी बात करेंगे सिर की अब क्या क्या पॉइंट याद रखोगे हेड में सबसे पहले हेड का शेप आपको याद रखना है त्रिकोण होता है ट्राइंगुलर हेड का आकार कैसा होगा बच्चों ट्राएंगुलर होगा यानी त्रिकोण होगा और ये मुख्य अक्ष के जो मुख्य बॉडी है उसके 90 डिग्री लंबवत पाया जाता है और ये मुख्य काय या मुख्य अक्ष के लंबवत यानी 90 डिग्री पर होता है इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं बच्चों हाइपोग्नेथस है ना मेन बॉडी होती है कॉकरोच की आपने देखा होगा तो सर जो होता है वो 90 डिग्री नीचे की तरफ होता है राइट एंगल पे नीचे की तरह पाया जाता है यानी लंबावत किस पर होगा 90 डिग्री पर होगा मुख्य अक्ष के या मुख्य काय के हाइपोग्नेथस सही बात आ, श, शेप कैसा है त्रिकोण एनसीआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी बच्चों अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हो ना तो एक एक लाइन को पॉइंट्स में बता रहा हूं ईमानदारी से बताओ एक बार जरा कमेंट करके बताओ अगर एनसीईआरटी खोल के भी बैठे हो तो एक एक पॉइंट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अरे बोरिंग लगता है ना पढ़ने में तो जब भी तो पढ़ा रहा हूं तब इसी तरह से याद रख लो भाई ठीक है फिर तीसरा पिंदु खंड के संलयन से बना होता है छह खंड के संलयन से ठीक है भाई चलो और फिर फिर इनमें अब उपांग अपेंडेजेस कौन सी पाई जाएंगी भाई सर में आपके पास बेस्ट है उपांग आपको क्या मिलेंगे भाई यहां पर अब उपांग में देखो आपको एक जोड़े एंटीने मिलेंगे उपांग में आपको क्या मिलेंगे बच्चों एक जोड़े एंटीने ये नेत्रों के ऊपर होते हैं। नेत्रों के ऊपर होते हैं बच्चों और ये स्पर्श व घ्राण संवेदी होते हैं स्पर्श व घ्राण संवेदी हैं। भोजन को खोजने में मदद करते हैं काम किसमें करेंगे भोजन को खोजने में कार्य करते हैं हर पॉइंट लिखा दूंगा बच्चों एनसीआरटी में अगर कुछ चीज नहीं भी है ना तो वो बता दूंगा यहां पर तो एक जोड़े एंटीने हैं संवेदी होते हैं इनमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं संवेदी तो किस प्रकार के टच स्पर्श और सूंघने में सूंघ सकते हैं और टच कर सकते हैं स्पर्श और घ्राण संवेदी होंगे फिर उसके अलावा क्या होंगे बच्चों एक जोड़े संयुक्त नेत्र संयुक्त नेत्र जिसे हम क्या कहते हैं कंपाउंड आइज और कंपाउंड आईज की इकाइयां क्या कहलाती हैं बच्चों ओमेटिडिया संयुक्त नेत्र की इकाई क्या होती है ओमेटिडिया और मुखांग होंगे मुखांग यानी माउथ पार्ट अभी इनकी बात भी करेंगे अपन तो हो गया आसान सिर में क्या क्या बताना था मुझे सिर में मैंने आपको क्या क्या लक्षण ध्यान में रखने हैं शेप याद रखना है मुख्य अक्ष के मुख्य काय के लंबवत होता है नीचे की ओर छह खंड के संलयन से निर्मित हैं और तीन तरह के उपांग आपको अपेंडेजिस मिलेंगी एंटीने संयुक्त नेत्र और मुखांग मुखांग के बारे में भी बताता हूं ठीक है बच्चों अभी इसके मुखांग के बारे में भी अरे प्रवीण जी मेरे नोट बहुत सफिशियंट है एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा उससे और एक बार अगर आपने चार मई वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया ना बता रहा हूं तीन सौ पचास नंबर से एक नंबर कम नहीं आएगा नीट में बायोलॉजी में ठीक है भाई आगे ले लूं स्क्रीनशॉट ले लिया सबने ओमेटिडिया इकाई होती है बच्चों संयुक्त नेत्र जो होते हैं ना वो छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं उन इकाइयों को संयुक्त नेत्र की इकाइयों को ओमेटिडिया कहते हैं ठीक है बच्चों अरे 350 से अधिक तो 360 भी 350 से अधिक ही होते हैं ना हरिओम जी ऐसे कहा है मजे ले रहे हो यार चलो अब मुखांग की बात करें तो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स की कॉकरोच के मुखांग की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए वो काटने व चबाने प्रकार के होते हैं ठीक है काटने और चबाने प्रकार के यानी बाइटिंग और चूइंग प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं जिसे हम मैंडीब्यूलर टाइप भी कहते हैं और इनमें मुखांग किन किन से बने होते हैं बच्चों एक जोड़े मैक्सिले जिसको ऊपरी जबड़ा कहते हैं एक जोड़े मैंडीबल निचला जबड़ा लेबरम ऊपरी होठ लेबियम निचला होठ और अधोजीवा हाइपोफेरिंग्स जो टंग के रूप में काम करता है ठीक है भाई तो ये मैंने आपको माउथ पार्ट्स भी बता दिए हैं कॉकरोच के माउथ पार्ट किसे कहते हैं भाई कॉकरोच के माउथ पार्ट काटने और चबाने प्रकार के होते हैं और काटने और चबाने प्रकार में निचला जबड़ा ज्यादा काम करता है इसलिए मैंडिब्यूलर टाइप कहते हैं इसको इसमें ऊपरी जबड़ा मैग्जिले निचला जबड़ा मैंडिबल ऊपरी होट लेब्रम निचला होट लेबियम और जीवा होती है टंग क्लियर भाई क्लियर बच्चों इतना सबको क्लियर हो गया माउथ पार्ट बच्चों हेड वाला हिस्सा सबको क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट ले लेना इसका माउथ पार्ट हेड में पूरा हिस्सा क्लियर सबको चलो बच्चों बढ़िया अब हेड के बाद कौन सा हिस्सा आएगा बच्चों नेक्स्ट हमारे पास वक्ष कॉकरोच में हेड के बाद नौ दूसरा हिस्सा आता है थोरिक्स यानी वक्ष वक्ष में कितने खंड होते हैं बच्चों तीन खंड होते हैं तीन खंड कौन सा होगा प्रोथोरेक्स मीजोथोरिक्स और मेटाथोरेक्स तो तीन तरह के वक्ष में कितने खंड मिलेंगे बच्चों तीन खंड मिलेंगे यानी वक्ष जो है वो तीन हिस्सों में विभाजित है प्रोथोरिक्स मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स अब क्या मिलेंगे उपांग अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है उपांग तो दो हैं सबसे पहले तो हर वक्ष के हर खंड में प्रोथोरिक्स मीजोथोरिक्स मेटाथोरिक्स एक एक जोड़े पैर होंगे तो उपांग मतलब कुल कितने हैं तीन जोड़े लेग्स इसका मतलब प्रत्येक खंड में एक जोड़ा प्रत्येक खंड में एक जोड़ा होगा तो कुल प्रोथोरिक्स में एक जोड़ा मीजोथोरिक्स में एक जोड़ा मेटाथोरिक्स में एक जोड़ा ये तीन जोड़े पैर हो गए इसी लक्षण को अपन ने कहा था हेग्जापोडा ठीक है अब इसमें एक चीज और याद रखना बच्चों आप बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए अगर आप इसमें लेग्स की बात कर रहा हूं टांगों की तो सबसे चौड़ा भाग अगर पूछ लिया जाए सबसे चौड़ा भाग होता है कॉगसा और सबसे लंबा भाग टांगों का सबसे लंबा भाग टिबिया देखो बच्चों दुनिया में कहीं पर भी मॉक टेस्ट दो कहीं के भी सवाल कर लो कि दुनिया में किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नीट में इन नोट्स के बाहर सवाल ना कभी गया है ना कभी जाएगा तो वैसे तो टांगों के अलग अलग भाग होते हैं बच्चों टांगों के आपके पास एक तो सबसे चौड़ा भाग होता है कॉक्जा उससे निकलता है एक फीमर फीमर ये निकलता है यहां पर फीमर दोनों को जोड़ता है ट्रो कैंटर फिर लंबा निकलता है जिसे हम कहते हैं टिबिया और फिर निकलते हैं टारसस तो ये पैरों का कॉकरोच के पैर हैं कॉग्जा ट्रोकेंटर फीमर टिबिया टारसस आपको याद रखना है अगर सबसे चौड़ा भाग पूछ लिया जाए मैंने लिखा दिया कॉग्जा सबसे लंबा भाग पूछ लिया जाए मैंने लिखा दिया टिबिया क्लियर हर पॉइंट बच्चों को ही जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है सब बता दूंगा इसमें ठीक है स्ट्रॉन्गेस्ट तो फीमर हाँ तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो सभी में फीमर होगा भाई हम्म अब यहां पर दूसरा उपांग क्या याद रखना है बच्चों पंख होते हैं तो इसमें आपको ध्यान में रखना है मीजोथोरेक्स में एक जोड़े पंख हैं, जिसको हम फोर विंग्स कहते हैं अग्र पंख है बच्चों ये और मेटाथोरिक्स में इसको हटा देता हूं इसकी जरूरत ही नहीं है और मेटाथोरिक्स में भी एक जोड़े पश्च पंख तो वास्तविक पंख कौन से होते हैं बच्चों पश्च वास्तविक हैं और उड़ने में कार्य वास्तविक पंख जो उड़ने में काम करते हैं वो पश्च जोड़े हैं एक जोड़े पश्च वंग हैं और ये कैसे होते हैं ट्रांसपेरेंट ये झिल्ली नुमा होते हैं और पारदर्शी होते हैं झिल्ली नुमा और पारदर्शी और फोर विंग्स जो हैं उन्हें तो केवल विंग कवर्स कहते हैं इलाइट्रा या टेगमिना कहते हैं और इनका रंग कैसा होता है डार्क ब्राउन और लेदरी होते हैं लेदर की कवरिंग होती है तो सारे लक्षण क्लियर बच्चों वक्ष में कितने खंड हैं तीन खंड है मैंने बता दिया प्रोथोरिक्स मीजोथोरिक्स मेटाथोरिक्स उपांग याद रखने हैं हर में एक एक जोड़े टांगे हैं तीन जोड़े टांगे हैं हेक्सापोडा है और दो जोड़े पंख हैं दो जोड़े पंख हैं पंख दो जोड़े हैं मीजोथोरिक्स में और मेटाथोरिक्स में प्रोथोरिक्स में नहीं है िक्स में जो अग्र पंख हैं वो उड़ने में काम नहीं करते वो केवल उसको छुपा के रखते हैं विंग कवर के रूप में इलाइट्रा टेगमिना डार्क ब्राउन कलर के हैं लेदरी हैं और जो पश्च पंख होंगे मेटाथोरिक्स में वो वास्तविक होते हैं जिल्ली नुमा होते हैं पारदर्शी होते हैं और उड़ने में कार्य करते हैं क्लियर है बात सबको बताओ एनसीआरटी का एक एक पॉइंट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार एक एक पॉइंट एनसीआरटी का कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फिर थॉरेक्स के बाद अब हम उधर पे चलेंगे चुनाराम जी उसका सेटिंग्स चेंज करो बेटा स्क्रीन की थोड़ा हो जाएगा ठीक है आमिर जी कॉग्ज़ा क्या है बेटा कॉग्जा सबसे चौड़ा भाग है टांगों का टांगों के पांच भाग होते हैं उसमें सबसे चौड़ा भाग कॉकजा है ठीक है बच्चों चलो आगे अब हमारे पास स्क्रीनशॉट ले लिया इसका आप लोगों ने अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा वक्ष यानी एपडम अब आएगा उदर यानी एपडमन वक्ष हमने देख लिया अब उदर या एबडमन कितने खंड होते हैं बच्चों हमने देखा इसमें दस खंड उदर में कितने खंड होते हैं दस खंड होते हैं लेकिन मादा कॉकरोच में सात स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और नर कॉकरोच में नौ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है नर कॉकरोच में नौ खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं और मादा कॉकरोच में सात खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है भाई तो नौ खंड स्पष्ट नर में दिखाई देंगे मादा में सात ही दिखाई देंगे क्यों क्योंकि मादा में जो सातवां खंड होता है और सातवां स्टरनम जो है नीचे वाला वो बोट आकार का होता है और आठवें और नब्बे खंड के साथ मिलकर वो एक जनन कोश जेनिटल पाउच बना लेता है तो यहां पर पॉइंट वही लिख रहा हूं जो एनसीआरटी में है बच्चों मादा कॉकरोच में सातवा स्टरनाइट मतलब अधर्य क्षेत्र का हो गया स्टरनाइट आते ही आपको पता होना चाहिए नीचे वाला भाग है सेवन स्टरनाइट किस आकार का होता है बच्चों बोट आकार का तथा आठवें व नब्बे स्टरनाइट के साथ मिलकर जेनिटल पाउच बनाता है बच्चों या जनन कोश बना देता है का निर्माण करता है सही और ये जो जेनिटल पाउच है बच्चों इसमें आपको और क्या क्या मिलेगा इस जेनिटल पाउच में हमको क्या क्या मिलता है इसमें आपको मादा गोनोफोर मिलेगा छिद्र मिलेगा बच्चों ठीक है ना इसमें आपको गोनोफोर का मतलब क्या मिलता है बच्चों छेद कहते हैं इसको ठीक है इसे हम क्या कहते हैं छेद गोनोफोर फिर इसमें आपको स्परमेटिकल छिद्र मिलेंगे ये सब जनन में आएगा बच्चों स्पर्मेटिका के छिद्र मिलेंगे और कोलेट्रियल ग्रंथियां मिलती हैं ठीक है सारी एनसीआरटी का पॉइंट है बच्चों एनसीआरटी के पॉइंट्स ही बता रहा हूं सारे नोट कर लेना हां इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ना बेटा इस ये खत्म होगा वन शॉट फिर स्पेशल में इसी के क्वेश्चन कराऊंगा एनसीआरटी पे आधारित तो मादा कॉकरोच में बता दिया बच्चों सेवन स्टरनाइट अधरीय बोट आकार का है आठवें और नब्बे स्टरनाइट के साथ मिलकर जनन कोश का निर्माण कर देगा और इसमें जेनिटल पाउच में क्या क्या शामिल होगा मादा गोनोफोर होता है स्पर्मेटिकल छिद्र होते हैं और कोलेट्रियल लेट्रियल सम्मिलित होती हैं एनसीआरटी का पॉइंट है बच्चों ठीक है क्लियर है अब नर कॉकरोच मादा कॉकरोच अलग होती है मतलब कॉकरोच तो एक लिंगी यूनिसेक्शुअल होता है और आप देखकर मादा और नर में विभेदन कर सकते हो तो मुझे बताओ जब आप आकारिकी के बेस पर देखकर नर और मादा में विभेदन कर सकते हो उस लक्षण को क्या कहते हैं ठीक है बताओ उस लक्षण को क्या कहते हैं भाई जब आप देखकर नर और मादा में विभेदन कर सको देख कर नर और मादा में विभेदन कर सको उसे क्या कहते हैं भाई अरे क्या पुष्कल जी क्या विजुअल विजुअल कर रहे हो यार जब आप नर और मादा को आकारिकी के आधार पर विभेदित कर सकते हो तो उसे कहते क्या हैं? अरे लैंगिक लैंगिक द्विरूपता, उसे कहते हैं सेक्सुअल डायमोर्फिज्म भाई अरे रेप्रोडक्शन का है मीना जी मजा ले रहे हो यार है उसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। रामकृष्ण जी क्रैश कोर्स नहीं होगा बेटा क्रैश कोर्स चार मई से अन अकेडमी ऐप पर होगा जिसका प्राइस जो है उन्नीस सौ निन्यानवे रुपए है उसमें आप मेरा रेफरल कोड प्रथम डालोगे तो दस प्रतिशत तो और डिस्काउंट मिल जाएगा सत्रह सो से अट्ठारह सौ रुपए में कोई कीमत ही नहीं है उसमें अस्सी दिन आप मेरे साथ बढ़िया तैयारी करोगे बायोलॉजी की हलवा बना दूंगा बायोलॉजी को याद रखना ठीक है तो राइट हाँ बोला सर मैंने किसने बोला देखा ही नहीं तो इधर आओ तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि जब हम कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल यानी डाइशियस है एक लिंगी है ना नर और मादा अलग अलग होते हैं और यहां पर आपको पता होना चाहिए नर व मादा कॉकरोच को आकार की आधार पर विभेदित कर सकते हैं ठीक है देख के पहचान सकते हो ये नर कॉकरोच है या मादा कॉकरोच तो अगली बार जब बाथरूम में जाओ ना और ऐसे डरो ना कॉकरोच है तो पहले देख लेना कि नर से डर रहे हो या मादा से डर रहे हो ठीक है तो इस लक्षण को क्या कहते हैं लैंगिक द्विरूपता या इसे कहते हैं सेक्सुअल डायमोरफिजम क्या कहते हैं भाई लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमोरफिजम मनीष जी आपको है ना अनअकैडमी नीट यूजी में नहीं बेटा नीट यूजी हिंदी मीडियम पे जाओ उसमें मुझे फॉलो करो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी बेटा ठीक है मनीष जी नीट यूजी का अलग है सिस्टम नीट यूजी हिंदी मीडियम अलग से चालू हुआ है उसमें जाना है ठीक है क्लियर है इतनी चीज अरे मनीष जी बोता तो दिया का है फेंकते रहे हो यार इतना बम का है फेंक रहे हो इतना निबंध वाला चार हाँ तीनों सब्जेक्ट होंगे बेटा तो लैंगिक द्विरूपता है अब लैंगिक द्विरूपता पता कैसे करोगे भाई लैंगिक द्विरूपता पता कैसे करोगे तो सुनो नर कॉकरोच चपटे होते हैं मादा कॉकरोच थोड़ी फूली हुई होती है और नर कॉकरोच के नाइन्थ स्टरनाइट पे मतलब नब्बे खंड पर क्या मिलते हैं बच्चों एक जोड़े एक जोड़े एनल स्टाइल्स याद रखना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से अलग कैसे है तो नर कॉकरोच एक तो चपटे होंगे और नब्बे स्टरनाइट पर एक जोड़े एनल स्टाइल्स उपस्थित होते हैं और ये किसमें नहीं होते भाई मादा कॉकरोच में एब्सेंट। समझ रहे हो मादा कॉकरोच में नहीं मिलेंगे क्लियर अरे पुष्कल जी देखो घबराना नहीं घबराने का देखो, एक चीज समझ नहीं आती जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना तो एक एक टेंशन होता है घबराहट होती है सबको होती है ये नेचुरल है लेकिन जब ऐसा बहुत ज्यादा घबराहट होना जिससे पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो ये चीज सोच लेना कि भाई हम किस लिए पढ़ रहे हैं जब कभी भी दिमाग में घबराहट आती है ना कि सर हमारा चयन होगा या नहीं होगा कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा उस समय अपने आप से ये सवाल पूछना मैं क्यों पढ़ रहा हूँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं सीख सकूँ और मैं सीख सकूं ताकि अपने चरित्र को अपने कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांग बना सकूँ ठीक है एंट्रेंस क्लियर करना या एंट्रेंस क्लियर नहीं करना ये सफलता का मापदंड नहीं है हमेशा याद रखना जीवन में आपके सफलता का मापदंड आपका चरित्र है आपका कैरेक्टर है और अपना चरित्र और कैरेक्टर में ईमानदारी मेहनत और सीखने की अगर ललक है ना तो दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता ठीक है एंट्रेंस तो आते जाते रहेंगे हर साल होगा हर साल बच्चे निकलेंगे नहीं निकलेंगे बच्चे डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे कुछ और करेंगे कुछ भी करेंगे जीवन में लेकिन काम क्या आता है आपका चरित्र या कैरेक्टर तो अपना चरित्र या कैरेक्टर को बनाओ यार तो जब ऐसा बहुत भयभीत हो रहे हो ना जब ऐसा बहुत डिप्रेशन में आ रहे हो बहुत टेंशन ले रहे हो ना जीवन में तो सोचना मैं अपने कैरेक्टर के लिए क्या कर रहा हूं अपने चरित्र को बेहतर बना रहा हूं कि नहीं क्योंकि आगे चलकर मेरे को सफलता तो मेरा चरित्र या कैरेक्टर ही देगा समझ ले हो में ज्ञान दे रहा हूं ले लो काम ही आएगा ठीक है तो भाषण हाँ मनीष जी अनकेडमी ऐप पे जाओगे उसमें अन अकेडमी नीट यू जी हिंदी मीडियम ठीक है अरे चलो अब आ जाओ भाई ठीक है तो अब मैंने आपको बता दिया नर कॉकरोच चपटे होंगे और मादा कॉकरोच से कैसे अलग हैं मादा कॉकरोच में एक जोड़े एनल स्टाइल्स नहीं मिलेंगे एक जोड़े एनल स्टाइल्स आपको केवल किसमें मिलेंगे नर कॉकरोच में क्लियर है स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका फटाफट आगे चल रहा हूं मैं अरे नहीं कमलेश जी नहीं, नहीं है बिल्कुल नहीं ठीक है भाई चले आगे अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों दसवें टर्गाइट पर यानी उदर क्षेत्र के दसवें खंड पर एक जोड़े एक जोड़े क्या मिलेंगे एनल सरकाई और याद रखना बच्चों यही सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट एनल स्टाइल्स तो देखे थे एनल स्टाइल्स तो केवल नर में थे मादा में नहीं थे लेकिन एक जोड़े एनल सरकाई जो हैं वो दोनों नर व मादा कॉकरोच में उपस्थित है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो संरचना जो नर और मादा कॉकरोच दोनों में मिलेगी एनल सरकाय और वो संरचना जो केवल नर कॉकरोच में मिलेगी एनल स्टाइल्स सही है और ये क्या होते हैं बच्चों ये कंपन यानी वाइब्रेशन के प्रति संवेदी होते हैं तो देखो बच्चों हमने पूरी की पूरी आकारी की तो कॉकरोच की मैंने बता दी कॉकरोच की आकारी की बता दी सिर देख लिया वक्ष देख लिया उधर देख लिया क्लियर है सबको बात क्लियर है सबको हाँ साउंड यानी वाइब्रेशन और कंपन के प्रति संवेदी होंगे एनल सरकाई नर और मादा कॉकरोच दोनों में मिलेंगे सबको क्लियर हमने आकारी की देख ली बच्चों कॉकरोच की अब हम तंत्र पढ़ेंगे कॉकरोच के के करके अरे अभी नीट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी क्या है सोच रहे हो यार पढ़ने पे ध्यान दो ना नीट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारी तैयारी पर हमारी तैयारी तो वैसी की वैसी रहनी चाहिए ना किन फालतू चीजों में उलझे रहते हो सर नीट पोस्टपोन होगी क्या कब होगी सर कितने सवाल क्या उसे क्या होगा जीवन में आपके जीवन में सीखने की चाह रखो ना यार सीखो यार ठीक है बच्चों चलो स्क्रीन ले लिया इसका अब आगे चल रहे हैं बच्चों अब एक एक करके तंत्र पड़ेंगे अब कॉकरोच का सबसे पहला तंत्र आएगा पाचन तंत्र हम सबसे पहले अब कॉकरोच के किसकी बात करेंगे भाई पाचन तंत्र की बात करेंगे पाचन तंत्र की बात करेंगे कॉकरोच के पाचन तंत्र को भी या आहार नाल के तीन हिस्से हैं तीन भाग में विभेदित कितने भाग में विभेदित होगा बच्चों तीन अग्र अग्र आंत जिसे कहते हैं फोरगट मध्य आंत्र जिसे कहते हैं मिड गट और पश्च यानी हाइंड गट तो कॉकरोच का जो पाचन तंत्र है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है और कॉकरोच क्या होता है बच्चों सर्वाहारी याद रखना कॉकरोच सब कुछ खाता है ठीक है हमेशा याद रखना कॉकरोच ओमनी वोर है सर्वाहारी है डायग्राम भी दे रखा है एनसीआरटी में एनसीआरटी में पाचन तंत्र का डायग्राम भी दे रखा है तो अब देखो क्या क्या है सबसे पहले फोरगट में फोरगट पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूटिकल से स्तरित होती है भीतर से जो अग्र आंत है कॉकरोच की वो पूरी की पूरी भीतर से किससे स्तरित होगी क्यूटिकल से स्तरित होगी और इसमें क्या क्या मिलेगा बच्चों आपको फोरगट में आपको क्या क्या मिलेगा चालू कहां से होगा मुख से तो चालू होगा ही बिल्कुल पता ही है हमको फिर आपके पास ग्रसनी यहां पर मैंने ले लिया मुख मुख के बाद आपने पास आती है ग्रसनी जिसे कहते हैं फेरिंग्स ठीक है लार ग्रंथियां होंगी बिल्कुल सही कॉकरोच के में आपको क्या मिलेंगी बच्चों लार ग्रंथियां मिलेंगी साइड में क्या मिलेंगी लार ग्रंथियां उपस्थित होंगी यानी सलाइवरी ग्लैंड उपस्थित होंगे फिर क्या होगा बच्चों फिर ग्रसिका होगी यानी ईसोफेगस होगी ग्रसिका यानी ईसोफेगस और दो नई संरचना होंगी एक क्रॉप और एक गिजाड या जिसे कहते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस क्या क्या संरचना अग्र में हैं कौन कौन सी संरचना मुख से चालू होगा मुख से ग्रसनी ग्रसनी से ग्रसिका ग्रसिका से क्रॉप और क्रॉप से गिजाड है ठीक है और कौन सी ग्रंथियां होंगी लार ग्रंथियां फिर दो चीजें बच्चों मध्य आंत की बात करें तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है एक तो फोरगट मिडगट के जंक्शन पर के बीच में अभी इसको डायग्राम से भी बता दूंगा बच्चों याद हो जाएगा के जंक्शन पर छह से आठ अंधनाल ब्लाइंड नलिकाएं, अंधनाल क्या होंगी हिपैटिक सीके क्या होंगी बच्चों हिपैटिक सीके और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर 100 से 150 सौ मालफीजियन नली का है सारे पॉइंट बता रहा हूं बच्चों याद रखना बार बार कह रहा हूं और हाइंड गट में यह भी क्यूटिकल से स्तरित होगी ठीक है यह आपको पता होना चाहिए मिड गट से चौड़ी होगी मिड गट से चौड़ी होगी और ये इलियम कोलोन और रेक्टम में विभेदित होगी जो गुदा से बाहर खुलेगी ये आपको तीनों भाग याद रखने हैं सबसे पहले तो तो आपके पास फोरगट मिडगट गट कौन कौन से हिस्से हैं मैंने आपको बता दिए कौन कौन से फोरगट जो है फोरगट के मिडगट के और हाइंड गट के तीनों भाग में क्या क्या संरचना है वो मैंने बता दी ठीक है बच्चों ये तीनों में कौन कौन से हिस्से हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको डायग्राम से समझ लेते हैं फिर इसको अपन अब एक डायग्राम से समझ लेते हैं भाई और अक कार्य भी देख लेते हैं कॉकरोच से एक या दो सवाल नीट में आएंगे भाई ठीक है अब देखो इसका डायग्राम में कैसे याद रखोगे बच्चों ठीक है बच्चों ये संरचना में बना रहा एक सेकेंड अब कौन सा रंग ले लू भाई यहां तक यहां रखना बच्चों ये संरचना है ठीक है अब एक एक करके बना देते हैं अब देखो बच्चों क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है अपने पास ये तो हमारे पास हो गई ग्रसी का फेगस ये वाला भाग हो गया क्रॉप क्रॉप का काम होता है बच्चों भोजन संचय क्रॉप का काम क्या होता है बच्चों भोजन संचय जो होता है वो क्रॉप का काम होता है ये मैंने यहां पर बनाई है लार ग्रंथियां क्या बनाई है लार ग्रंथियां यहां पर ये है आपके पास ग्रसनी और ये हमारे पास है गिजाड अब गिजाड क्या करता है बच्चों सुनना गिजाड जो है वो भोजन को पीसने में कार्य करेगा भोजन को पीसने में कौन काम करेगा बच्चों गिजार्ड काम करेगा तो ये तो सारा फोरगट था अब फोरगट के बाद बच्चों ये वाला बाट जो है ये वाला पाट मध्य आंत का आता है यानी मिडगट का तो मैंने आपको कहा था फोरगट और मिड गट के जंक्शन पर मैंने आपको अभी क्या बताया था फोरगट और मिड गट के जंक्शन पर अग्र आंत ये, ये मध्य इनके जंक्शन पर यह छे से आठ की संख्या में हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीके हैं और ये बच्चों पाचन एंजाइम का स्त्रावन करती है इन्हीं से किसका स्त्रावन होगा पाचन एंजाइम का स्त्रावन फिर मध्य और ये पश्चात आ गई बच्चों पीछे यहां पर आपके पास इलियम होगा ये कोलोन है और ये रेक्टम है तो ये पश्च आत है और मध्य आंत और पश्च आंत के बीच में यह सौ से डेढ़ सौ कौन सी नलिकाएं हैं मालफीजियन नलिकाएं देखो बच्चों मालफीजियन नलिकाएं संबंधित तो किससे हैं? पाचन तंत्र से लेकिन यह काम पाचन में नहीं करती हैं। इनका काम किसमें होता है उत्सर्जन में होता है इनका कार्य होगा किसमें उत्सर्जन में होगा क्लियर बच्चों डायग्राम से सवाल आ सकता है क्योंकि ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है क्लियर है सबको बात ठीक है सबको क्लियर है ग्रसनी था ये सबसे पहले अग्रभाग है फोरगट ग्रसनी है लार ग्रंथियां है ग्रसिका है क्रॉप है गिजाड है इनमें अमाशय नहीं है तो भोजन संचय कहाँ होगा अमाशय के जैसा जैसा क्रॉप है जिसमें भोजन संचय होगा भोजन को पीसने का, का काम कौन करेगा गिजाड भोजन को पीसने का काम कौन करेगा बच्चों गिजार्ड करेगा गिजार्ड में पीसने के लिए क्या है इनमें काइटिन नुमा दांत होते हैं काइटिन नुमा दांत होते हैं जो भोजन को पीसने में काम करते हैं ठीक है फिर आपके पास फोरगट और मध्य आंत के बीच में फोरगट और मध्य आंत के बीच में हिपैटिक या गैस्ट्रिक सी के आगे जो पाचन एंजाइम का स्त्रावन करेंगे संख्या छह से आठ है मध्य आंत है मध्य आंत के बाद चौड़ी क्या आ जाती है पश्च आंत दोनों के बीच में 100 से 150 सौ नलिकाएं हैं जो उत्सर्जन में कार्य करेंगी क्लियर है बच्चों सबको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना पाचन तंत्र सबको क्लियर है भाई एनसीआरटी से संबंधित सारा पाचन तंत्र वाला पॉइंट आपको बता दिया भाई अरे विशाल जी पहले लिख तो लो स्क्रीनशॉट तो ले लो इसका ले लिया भाई चलो अब नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों पाचन के बाद अब हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की ठीक है मतलब अब हम कॉकरोच में बात करेंगे ब्लड वैस्क्यूलर सिस्टम की अब बताओ बच्चों कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में है कीटों में आता है तो परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है बंद प्रकार का होता है परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में खुले प्रकार का होगा या बंद प्रकार का होता है बच्चों बिल्कुल सही भाई बहुत अच्छा खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होगा तो आपको पता होना चाहिए ओपन यानी खुले प्रकार का और खुले प्रकार का मतलब होता है रुधिर वाहिकाएं या तो अनुपस्थित होती हैं या अल्प विकसित होती हैं नहीं के बराबर हैं या तो रुधिर वाहिकाएं होती ही नहीं है या अल्प विकसित होती हैं। इसका मतलब रुधिर खुले क्षेत्रों में साइनसिस में प्रवाहित होता है बिल्कुल सही बात तो परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होगा दूसरा आपको पता होना चाहिए हृदय जो होता है कॉकरोच का बच्चों वो न्यूरोजेनिक होता है।, है ना हमारा हृदय मायोजेनिक होता है सारे कशेरुकियों का हृदय मायोजेनिक होता है क्यों क्योंकि हमारा हृदय और सारे कशेरुकियों का हृदय खुद करंट खुद आवेग उत्पन्न कर सकता है लेकिन कॉकरोच के हृदय को आवेग उत्पन्न करने के लिए सूचना तंत्री का तंत्र से आती है कॉकरोच का हृदय स्वयं उत्तेजित नहीं हो सकता उसको उत्तेजित करने के लिए सूचना या अंग या आवेग तंत्री का तंत्र से आएगा इसलिए न्यूरोजेनिक फिर कॉकरोच का रुधिर जो है बच्चों कॉकरोच के ब्लड को क्या कहते हैं हीमोलिम्फ कॉकरोच के रुधिर को क्या कहते हैं हीमोलिम्फ क्योंकि ये रंगहीन है रंगहीन है और इनकी कोशिकाएं कोशिकाएं कहलाती हैं हीमेटोसाइट्स तो अब इनमें रंगहीन क्यों है बच्चों क्योंकि इनमें कोई श्वसन वर्णक नहीं होता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉकरोच में या कीटों के रुधिर में रंगहीन रुधिर है इसका मतलब कोई श्वसन वर्णक नहीं है कोई हीमोग्लोबिन नहीं है या हीमोसाइनिन नहीं है तो अगर इनका रुधिर में श्वसन वर्णक नहीं है तो इनका रुधिर गैसों के परिवहन में काम कर सकता है क्या बच्चों बताना तो अगर इनके रुधिर में कोई श्वसन वर्णक ही नहीं है तो इनका रुधिर गैसों के परिवहन में काम कर सकता है क्या बहुत बढ़िया भाई नहीं करते इसके में रुधिर में परिवहन में काम नहीं करेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों याद रखना रुधिर में श्वसन वर्णक ना होने के कारण वह गैसों के परिवहन में कार्य नहीं करता बहुत इंपॉर्टेंट गैसों के परिवहन में कॉकरोच का रुधिर काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें श्वसन वर्णक नहीं है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ठीक है भाई तो इनमें को क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं है हीमोसाइन इनको श्वसन वर्णक है ही नहीं तो इनका रुधिर रंगहीन हो गया और वो गैसों के परिवहन में काम नहीं करेगा केवल पोषण केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन परिवहन में काम नहीं करेगा केवल पोषण प्रदान करने में काम करेगा ठीक है बच्चों फिर एनसीआरटी में एक पॉइंट और दे रखा है एनसीआरटी में हृदय के बारे में कॉकरोच के हृदय किन पेशियों से संबंधित होता है एलरी पेशियों से जुड़े हैं है ना और आपको पता होना चाहिए तेरा संकुचनशील खंड होते हैं तेरा संकुचनशील खंड पाए जाते हैं तो याद रखना बच्चों डायग्राम में क्या दे रखा है हृदय के साथ कौन सी पेशियां जोड़ रखी हैं एलरी पेशियां जो हृदय के संकुचन में काम करेंगी जो किस में काम करेंगी बच्चों ऑक्सीजन कैसे मिलेगा पुष्कल जी अभी बताऊंगा ना वो श्वसन में बताऊंगा रुधिर तो नहीं काम कर रहा फिर इनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा श्वसन में कैसे गैस पहुंचेगी बताऊंगा अभी बेटा वो श्वसन में क्लियर है बात सबको क्लियर है बात सबको और इसमें बच्चों हाँ फहीम जी बिल्कुल कब है ईद बताओ तो सांस कैसे लेंगे बताऊंगा ना भाई श्वसन में अभी क्लियर है बात बच्चों दो मई को ठीक है फहीम जी पक्का फिर सवैया खिलाएंगे आप अब देखो बच्चों सही बात है सर श्वसन कैसे होगा हाँ ये श्वसन तंत्र अब कॉकरोच की हम बात करें तो सर श्वसन तंत्र कैसे होगा तो श्वसन तंत्र के लिए इनमें श्वसन अंग होते हैं भाई श्वसन अंग होते हैं जिसे कहते हैं ट्रैक्यल ट्यूब्स श्वसन अंग कौन से होंगे ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकिया की ट्यूब्स होती है नलिकाएं और ये ट्रैकियल की जो ट्यूब्स होती है ना बच्चों ये आगे चलकर विभाजित होती हैं। और ये ट्रैकिया आगे चलकर और छोटे छोटे मतलब ये ट्रैकिया मैंने बना दिया फिर ये छोटे छोटे ट्रैक्योल जो है ना बच्चों ये सीधे प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं सीधे ऑक्सीजन को उत्तकों तक स्थानांतरित करते हैं भाई देखो हमारे फेफड़े होते हैं हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन निकलती है और हृदय में जो रुधिर वाहिकाएं हैं रुधिर के माध्यम से उत्तकों तक पहुंचती है लेकिन यहां पर रुधिर का तो योगदान ही नहीं है गैसों के आदान प्रदान में गैसों को भेजने में रुधिर का योगदान ही नहीं है तो ट्रैकिया विभाजित होकर ट्रैक्योल बनाती हैं और यह ट्रैक्योल हर ट्रैक्योल प्रत्यक्ष रूप से सभी उत्तकों में ऑक्सीजन स्थानांतरित करता है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए ट्रैक्यल ट्यूब्स एवं उनकी शाखाएं प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन को उत्तकों में स्थानांतरित करती हैं। क्लियर है भाई तो ट्रैकियल ट्यूब्स का नेटवर्क होता है रुधिर काम नहीं करता अब समझ आ गई बात सबको ट्रैकियल ट्यूब अब सबको समझ आई कैसे मिलेगा इनको ऑक्सीजन ये ट्यूब्स अब ये ट्रैकिया तो बाह्य छिद्र क्या होते हैं बच्चों जिनके द्वारा ये खुलती है बाह्य छिद्र क्या कहलाते हैं स्पाइरेकल्स बाह्य छिद्र क्या कहलाते हैं स्पाइरेकल्स दस जोड़े होते हैं और पार्श्व भाग में होंगे इसमें दो तो आपको मिलेंगे बच्चों वक्ष में और आठ आपको मिलेंगे उदर क्षेत्र में स्पाइरेकल्स हैं बच्चों बाहर ये ट्रैकल ट्यूब्स बाहर की ओर कैसे खुलेंगी है ना शरीर के बाहर की ओर कैसे खुलती हैं? तो छिद्रों के द्वारा खुलती हैं स्पाइरेकल्स और स्पाइरेकल्स इन छिद्रों का नियमन इन स्पाइरेकल्स का नियमन कौन करता है बच्चों स्फिंस्टर पेशियां अवरोधनी जिसे हम कहते हैं स्फिंस्टर को क्या कहते हैं बच्चों अवरोधनी के द्वारा क्लियर है बात बच्चों हां मसल से तो क्या क्या याद रखना है श्वसनांग याद रखने हैं श्वसनांग कौन से हो गए ट्रैकियल ट्यूब्स हो गए ट्यूब्स और उनकी शाखाएं यानी ट्रैक्योल्स प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन को उत्तकों में भेजेंगे बाहर की ओर ये छेद के द्वारा खुलेंगे हम्म, उन छेदों को क्या कहेंगे स्पाइरेकल स्पाइरेकल्स के कितने जोड़े हैं बच्चों दस जोड़े हैं सही बात है सही बात है दस जोड़े हैं और इनको नियमित कौन करता है स्फिंस्टर पेशियां अब क्लियर बच्चों सबको क्लियर है अरे आज वाला टॉपिक तो कंप्लीट कर लें बेटा सचिन जी फिर अगला टॉपिक पर पहुंच जाएंगे क्लियर है श्वसन विशाल जी आज वाले टॉपिक पर ध्यान देंगे तो कल भी पहुंच जाएंगे ना कल भी का टॉपिक भी आपके आ जाएगा अपडेट में सारा काहे टेंशन दे रहे हैं अभी ये कंप्लीट करते हैं ना हमेशा मोमेंट में रहा करो हमें आदत क्या है हमको क्या है कि हम आगे का सोचते रहते हैं तो जब सर कल क्या करेंगे सर सर परसों क्या करेंगे सर मुझे ये बताइए तीन दिन बाद सत्रह तारीख को क्या करेंगे अरे कर लेंगे भाई सब पे अभी इस समय सीख रहे हो ना इस मोमेंट को तो एंजॉय करो इसमें ऐसे सीखने का रस तो निकालो सर कल क्या होगा सर सर रात में क्या होगा है अभी छोला भटूरा खा रहे हो सर शाम को क्या मिलेगा अरे भाई अभी छोले भटूरे का स्वाद तो लो भाई ठीक है चले आगे चलो आ जाओ अब अपने पास श्वसन के बाद नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों उत्सर्जन तंत्र अब उत्सर्जन तंत्र कॉकरोच बच्चों बताओ कॉकरोच कीट अब नाइट्रोजन अपशिष पदार्थ कौन सा निकालता है नाइट्रोजन अपशिष पदार्थ क्या निकालता है भाई यूरिक अम्ल हां क्या निकालता है यूरिक अम्ल यानी कॉकरोच या कीट क्या होते हैं यूरिकोटेलिक कॉकरोच क्या होता है भाई यूरिकोटेलिक होता है बिल्कुल यूरिक अम्ल सही अब उत्सर्जन मुख्य उत्सर्जी संरचना क्या है अभी अपन ने देखी मुख्य उत्सर्जी संरचना मालफीजियन नलिका है मालफीजियन नलिकाएं कहां पर है यह तो हमने देख ही लिया था बच्चों सौ से डेढ़ सौ की संख्या में है और मध्य और पश्च के मध्य होती है कहां होती है हमने देख लिया अब इसके लक्षण क्या है इसमें आपको पता होना चाहिए बच्चों ग्रंथिल उपकला होती है और ग्रंथिल उपकला के साथ साथ सीलिएटेड सेल्स होते हैं एनसीआरटी का पॉइंट बता रहा हूं याद रखना मालफीजियन नलिकाए में ग्रंथिल उपकला होगी और ग्रंथिन उपकला के साथ साथ सीलिएटेड सेल्स हैं ठीक है अब ये यूरिक को अम्ल ये मालफीजियन नलिकाएं क्या करती हैं ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करती हैं और हाइंडगट पश्च आंत से निष्कासित कर देती है निष्कासित तो बच्चों गुदा से ही होगा निष्कासित तो गुदा से ही होगा सही अब कॉकरोच में अन्य उत्सर्जी संरचनाएं भी होती हैं बच्चों एनसीआरटी में दे रखा है अन्य उत्सर्जी संरचनाएं कौन बताएगा भाई कॉकरोच में मुख्य तो आपके पास मालफीजिया नलिकाएं हो गई अन्य उत्सर्जी संरचनाएं किस किस को मालूम है तीन याद रखने हैं तीन याद रखने हैं फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्रंथियां तीन और उत्सर्जी संरचनाएं आपको ध्यान में रखनी है भाई हम्म hmm, क्लियर है बच्चों तो अन्य उत्सर्जी संरचना भी आपको ध्यान में रखनी है मुख्य उत्सर्जी संरचना मालफीजियन नली का बता दिया अन्य उत्सर्जी संरचना स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फिर आगे हम चलते हैं तंत्री का तंत्र में त्वचा काम नहीं करती भाई इसमें काय भित्ती त्वचा एनसीआरटी में नहीं दे रखा है वो याद नहीं रखना है ठीक है एनसीआरटी बेस सिस्टम याद रखना है बच्चों नीट के लिए जो दे रखा है एनसीआरटी में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका चले आगे अब अपने पास आता है बच्चों नेक्स्ट तंत्री का तंत्र अब कॉकरोच का आता है बच्चों हमारे पास नर्वस सिस्टम अब कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र की बात करें बच्चों देखो आओ एक बार एक सिस्टम समझो तो कॉकरोच के तंत्री का तंत्र में यह मैंने ले लिया अगर हेड है यह हिस्सा मैंने ले लिया वक्ष है और यह मैंने हिस्सा ले लिया उदर है ठीक है कॉकरोच को कॉकरोच के शरीर को तीन हिस्सों में अपन ने डिवाइड किया है अब आपको इसमें सिंपल सी याद रखनी है बच्चों इसमें मुझे एक चीज बताओ कि कॉकरोच के अंदर जो भी तंत्री का तंत्र होता है यानी ड तंत्रिका रज्जु वो अधर्य होनी चाहिए या पृष्ठीय तो अगर आपको जंतु जगत याद होगा तंत्रिका रज्जु हमारी पृष्ठीय होती है तो जितने भी नॉन कॉडेट है उनकी आगे अधर्य होती है हाँ अधर्य क्षेत्र में होगी तो इनके अंदर जो तंत्रिका तंत्र है या तंत्रिका रज्जुक है वो हमेशा कैसी होगी अधर्य होगी डबल होगी दो होंगी और ठोस होती है यह तो आपको हमेशा याद रखना है बच्चों हर नॉन कॉर्डेट में होता है हमारे अंदर मेरू रज्जुक यानी स्पाइनल तंत्री का रज्जुक पीछे होती है यानी पृष्ठीय एक होती है और खोखली होती है तो नॉन कॉर्डेट्स में उल्टी होगी नॉन कॉर्डेट्स में उल्टी होती है हमेशा हम्म दीपश्री जी एनिमल किंगडम करा दिया बेटा मैंने स्पेशल में करा दिया है अन अकेडमी और देखो बच्चों जिनको वापस पूरा करना है ना चीजें उसके लिए तो फिर मैंने कहा है चार में से क्रैश कोर्स चालू हो रहा है उसमें तो हमको मुझे शुरुआत से सब कुछ कराना ही है और बाकी काफी टॉपिक्स तो मैं करा ही चुका हूं बेटा यूट्यूब पे ठीक है अधर्य इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा अधर्य को कहते हैं वेंट्रल और ठोस को कहते हैं सॉलिड और ये तंत्रिका रज्जुक है यानी नर्व कॉर्ड ठीक है अब देखो बच्चों इसमें एक एनसीआरटी में पॉइंट दे रखा है ध्यान से सुनना कि अपने पास अपने पास याद रखना है कि ज्यादातर तंत्रिका तंत्र का ज्यादा हिस्सा जो है वो कहां पे मिलेगा वक्षीय क्षेत्र में मतलब यहां पर ये वक्षीय क्षेत्र है वक्षीय क्षेत्र में एक खंड ये रहा दूसरा खंड ये रहा तीसरा खंड तीन जोड़े गैंग्लिया तो आपको वक्षीय क्षेत्र में मिलेंगे तीन जोड़े बच्चों गैंग्लिया आपको कहां मिलेंगे वक्षीय क्षेत्र में और और लगभग ये एक, दो, तीन चार पांच छ ये गैंगलिया आपको किस में मिलेंगे या क्षेत्र में मतलब तंत्री का तंत्र मुख्य रूप से वक्ष और उदर में विस्तारित है सिर में बहुत कम तंत्री का तंत्र होता है इसलिए एनसीआरटी में लिखा हुआ है कॉकरोच के सिर को अगर काट दिया जाए तो भी वे हफ्ते दस दिन तक जीवित रह सकता है क्योंकि अधिकांश तंत्री का तंत्र तो मतलब तीन जोड़े गैंगलिया तीन जोड़े गैंगलिया तो वक्ष में है और छह जोड़े गैंग्लिया उदर क्षेत्र में हैं। तंत्री का तंत्र ज्यादा विस्तारित तो वक्ष और उदर में है हां नर्व रिंग बता रहा हूं भी वो बेटा एक मिनट तो अधिकांश छह जोड़े गैंग्लिया उदर क्षेत्र में है तीन जोड़े गैंग्लिया किस क्षेत्र में है वक्ष क्षेत्र में है तो अधिकांश तंत्री का तंत्र जो है अधिकांश तंत्रिका तंत्र वक्ष व उदर क्षेत्र में तो इस कारण हेड कट करने पर भी कॉकरोच कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है ठीक है फिर हेड में मिलेगा क्या बच्चों चलो ठीक है ये तो मान लिया बट फिर भी हेड में कुछ तो होना चाहिए कॉकरोच के हेड में बच्चों एक नर्व रिंग वलय होती है नर्व रिंग जिसमें एक तो होता है बच्चों सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया गैंगलिया और एक होता है सब ईसोफेगल गैंग्लिया अब ये किस किस को सप्लाई करते हैं सुपराइसोफेगल गैंग्लिया बच्चों ये तंत्री का तंत्र एंटीने में जाता है नेत्र में जाता है लेब्रम में जाता है और ये आपके पास मैग्जिले मैंडिबल और लेबियम तो सिर में बच्चों आपको याद रखना है जो ये मस्तिष्क वलय है या तंत्रिका वलय है इसके दो भाग हैं एक सुप्राइसोफेगल गैंगलिया होगा इस तरह से और एक ये सब ईसोफेगल गैंगलिया ऊपर वाला सुप्राइसोफेगल गैंग्लिया लेब्रम में और नीचे वाला सब ईसोफेगल गैंगलिया मैग्जिले मैंडिबल और लेबियम में जाता है क्लियर है बच्चों क्लियर है बात इतनी सबको भाई तंत्रिका तंत्र से संबंधित तीन जोड़े ज्यादा तंत्रिका तंत्र वक्ष और उदर वाले क्षेत्र में है सिर में जो था वो मैंने आपको बता दिया स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका हां बेटा छ ही तो लिखा है विशाल जी उधर में छ लिखा है वक्ष में तीन लिख दिया बेटा ठीक है भाई चलो फिर अंत में अब जनन तंत्र देखो बच्चों ये पूरा अच्छी तरह आपने वन शॉट देख लिया ना तो सवाल आपके पास नीड में हो गया फिर एनसीआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है एनसीआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई सारा टॉपिक बता दिया है इसमें अब अपने पास कॉकरोच का क्या आ जाता है बच्चों जनन तंत्र यानी रेप्रोडक्टिव सिस्टम और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे नर जनन तंत्र की या मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र सबसे पहले अपने पास क्या आ रहा है बच्चों मेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम हां भाई नीट में नीट के सिलेबस में कॉकरोच है अर्थवम फ्रॉग भले ही नहीं है लेकिन कॉकरोच है और हर साल एक या दो सवाल नीट में आते हैं कॉकरोच के अब नर जनन तंत्र की बात करें बच्चों तो नर जनन तंत्र में आपको सबसे पहले तो वो एनसीआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है उसमें आपको क्या याद रखोगे सबसे पहले तो चौथे पांचवे और छठे खंड में ये एक जोड़े वृषण मिलेंगे नर कॉकरोच की बात हो रही है बच्चों नर कॉकरोच में चौथे पांचवे और छठे खंड में चौथे पांचवे और छठे खंड में क्या मिलेंगे बच्चों एक जोड़े वृषण मिलेंगे फिर यहां से क्या निकलेगा यहां से वाहिनियां निकलेंगी ये निकली वाहिनियां और ये किसमें खुलेंगी शुक्राशय में ये किस में खुलेंगी शुक्राशय में खुलेंगी सही बच्चों और फिर यहां से क्या निकलेंगी स्खलन नली का यहां से निकलेंगी स्खलन नली का और फिर ये बाहर खुले देखो बच्चों ये हमारे पास एक नर जनन तंत्र मैं बता रहा हूं क्या बना रहा हूं नर जनन तंत्र एक एक करके देखते हैं अपन सबसे पहले ये जो मैंने पीले बनाए हैं ये तो एक जोड़े वृषण है ये तो मैंने क्या बनाया बच्चों एक जोड़े वृषण है फिर यहां से निकल रहा है जो वृषण से जो निकल रहे हैं वो शुक्र वाहिनी वाजा डेफ्रेंस है क्या निक रही बच्चों? शुक्र वाही विरिशन है बच्चों शुक्रवाही का ठीक है वृषण है वृषण से आपके पास क्या निकलते हैं बच्चों वृषण यानी वाजा डेफरेंस यानी शुक्रवाही का निकलेगी वो आगे चलकर किसमें खुलेगी वो आगे चलकर ये देखो ये जो ग्रंथी है ना बच्चों पूरी इधर देखो इसमें एक तो आपके पास ये शुक्राशय होगा शुक्राशय के अलावा यहां पर आपके पास लंबी व छोटी नलिकाएं तो ये पूरा जो है बच्चों देखो पूरा मतलब ये सारा ये लंबी नलिकाएं और छोटी नलिकाएं हैं फिर ये शुक्राशय है इस पूरे ग्रंथि को अपन कहते हैं मशरूम ग्रंथि, मशरूम या यूट्रिक्यूलर ग्रंथि। और एनसीआर में दे रखा है ये किस में मिलेगी छठे से सातवें उदरिया खंड में कौन सी ग्रंथि है बच्चों ये पूरा गोला ये पूरा मशरूम ग्रंथि है और ऊपर ये जो गुलाबी रंग की दिख रही है आपको इसे हम कहते हैं फैलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि तो दो सहायक ग्रंथियां नर कॉकरोच में याद रखनी है दो जनन ग्रंथियां जो नर कॉकरोच में याद रखनी है एक मशरूम ग्रंथी है और एक फैलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्रंथी है फिर यह आपके पास क्या हो गई बच्चों स्खलन का, इजैक्यूलेटरी डक्ट या जिसे हम क्या कहते हैं स्खलन नली का अब यह स्खलन का आगे किस में खुलेगी फैलोमियर में यह स्खलन नलिकाएं अब खुलेंगी आपके पास बही जननांग या फैलोमियर इनी को हम बही जननांग कहते हैं पैलोमियर कह सकते हो गोनेपोफाइसिस कह सकते हो आ गई भाई, भाई नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं हम अरे भाई छुट्टी खत्म तो होने दो चैप्टर बस खत्म ही हो रहा है यार सीख लो ना फिर चैप्टर वन शॉट में काहे फिर ऐसे कर रहे हो तो नर जनन तंत्र में ग्रंथियां समझ आ गई बच्चों नर जनन तंत्र में फैलिक ग्रंथियां मैंने बता दी मशरूम और यूट्रिकुलर ग्रंथियां बता दी दो सहायक जनन ग्रंथियां इंपॉर्टेंट है याद रखना है ठीक है स्क्रीन ले लो इसका मोहम्मद सुहेल जी कॉकरोच में सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ठीक है ऐसे कॉकरोच ने कभी बताया नहीं कि ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा अंग है उसका ठीक है ना तो हमने उससे पूछा ना उसने बताया अभी नीट के लिए तो पूरा कॉकरोच जरूरी है ठीक है बच्चों तो देखो आपको याद रखना है चौथे से छठे खंड में एक जोड़े वृषण सहायक जनन ग्रंथियां सहायक जनन ग्रंथियां दो हैं भाई एक फैलिक यानी कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि और दूसरी मैंने बताया कौन सी बच्चों मशरूम ग्रंथि। याद रखना दो सहायक जनन ग्रंथियां आपको नर कॉकरोच में मिलेंगी और ये सब क्या करेंगी बच्चों ये सारी जनन ग्रंथियां शुक्राणु को पैकेट्स के रूप में परिवर्तित करती है है ना और पैकेट्स के रूप में परिवर्तित करती है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स। कॉकरोच में नर कॉकरोच में सारे शिक्राणु एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं सारे शुक्राणु एक दूसरे से चिपक कर पैकेट्स के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और उनको चिपकाने का काम कौन सी ग्रंथियां करेंगी फैलिक ग्रंथी और मशरूम ग्रंथी आ गई बात सबको समझ में भाई क्लियर एक जोड़े वृषण हैं जनन ग्रंथियां मैंने बता दी पैकेट्स के रूप में चिपके हुए रहेंगे जिसे क्या कहेंगे स्पर मैटोफोर्स सही स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसका फिर मादा जनन तंत्र फिर हमारे पास आता है बच्चों अब मादा कॉकरोच में मादा जनन तंत्र डायग्राम याद रखना बच्चों सीधा सवाल डायग्राम पे आएगा कॉकरोच में सवाल नीट में पक्का आएगा मैं बता रहा हूं आप लोगों को ठीक है यहीं पे कर लो एक डेढ़ घंटे डेढ़ घंटे की क्लास होती है उसमें आपके दो सवाल दस नंबर की बात है यार दो घंटे में दस नंबर तैयार हो रहे हैं आपके ठीक है तो बहुत काम ही आएगी चीजें ये क्लियर है बात अब इधर देख लो ठीक है बच्चों ये एक जोड़े अंडाशय बनाए हैं मैंने ये मैंने क्या बनाए हैं एक जोड़े अंडाशय बनाए हैं एक सेकेंड तो सबसे पहले यह आपके पास एक जोड़े अंडाशय हैं कौन से से कौन से दूसरे से छठे खंड में ठीक है मादा जनन तंत्र में एक जोड़े अंडाशय किसमें है दूसरे से लेके छठे खंड में है और हर अंडाशय में यानी प्रत्येक अंडाशय में प्रत्येक अंडाशय, अंडाशय में कितने ओवरियोल्स होंगे बच्चों कितने होते हैं संख्या बताओ तो कितनी नलिकाएं होती हैं प्रत्येक अंडाशय में आठ ओवरियन नलिकाएं पाई जाती हैं एनसीआरटी है में प्रत्येक अंडाशय में कितनी होती हैं आठ नलिकाएं होंगी और इसमें विकसित विक, विकसित होने वाले अंडानु उपस्थित होंगे कितनी होंगी बच्चों या बिल्कुल बहुत अच्छा आठ वेरी नाइस भाई सबको याद है बढ़िया बच्चों तो सेकेंड से छठे खंड में मैंने बता दिया बच्चों अब यहां पर क्या होगा यहां पर ये आपके पास अब अंडवाहिनी निकलेगी यहां से ये यहां पर अंडवाहिनी है और ये अंडवाहिनी यहां पर योनि बनाएंगी ये जो छिद्र है बच्चों ये जो छिद्र है इसे हम कहते हैं स्पर्मेथिका जब नर कॉकरोच से नर कॉकरोच से शुक्राणु मादा में आएंगे ना नर कॉकरोच से शुक्राणु मादा कॉकरोच में आएंगे तो वो कहां संचित रहेंगे स्पर मैथिका में तो यहां पर शुक्राणु अस्थाई रूप से संग्रहित रहते हैं जब नर से कॉकरोच नर से नर कॉकरोच से शुक्राणु निकलेंगे तो वो स्पर मैथिका में संग्रहित रहेंगे मादा में याद रखना है फिर यह जनन कक्ष है बच्चों ये जनन कक्ष है और ये वेस्टिब्यूलम है और इन दोनों को मिलाकर ही जनन जेनिटल चेंबर कहते हैं इसी को मिलाकर जेनिटल चेंबर और ये पीली पीली ग्रंथियां बनाई है बच्चों ये पीली पीली कोलेट्रियल ग्रंथियां हैं याद रखना डायग्राम से सवाल आता है डायग्राम से सवाल आएगा वही डायग्राम करा रहा हूं जो एनसीआरटी में है वही डायग्राम बता रहा हूं जो एन में है तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है मादा जनन तंत्र में सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी हैं भाई मादा जनन तंत्र में सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी हैं कोलेट्रियल ग्रंथियां यह सवाल पूछ सकते हैं नर कॉकरोच की ग्रंथियां नर कॉकरोच की सहायक जनन ग्रंथियां फैलिक ग्रंथी और मशरूम ग्रंथी और मादा कॉकरोच की जनन ग्रंथियां कोलेट्रियल ग्रंथियां याद रखना बच्चों और निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है कॉकरोच में निषेचन की प्रक्रिया कहां होगी भाई याद रखना निषेचन की प्रक्रिया जेनिटल चेंबर में होगी मादा के निषेचन की प्रक्रिया जेनिटल चेंबर में मतलब आंतरिक निषेचन हुआ कॉकरोच में या बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन याद रखना यह भी सवाल बनता है मादा कॉकरोच के अंदर हो रहा है मादा कॉकरोच के अंदर हो रहा है जेनिटल चेंबर में यानी कैसा निषेचन है भाई आंतरिक निषेचन बिल्कुल बच्चों आंतरिक निषेचन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पर मैथी का याद रखना बच्चों छठे खंड में मिलेगा स्पर मैथी का छठे खंड में क्लियर है आंतरिक निषेचन अब देखो क्या होगा निषेचन के बाद कोशिका निषेचित हो जाएगी यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई हाँ, प्रक्रिया को नहीं कहते बेटा हर्ष जी चिपकने के बाद शुक्राणुओं का जो चिपचिपा सारा पैकेट है ना शुक्राणु का उसको स्पर्मेटोफोर कहते हैं प्रक्रिया को नहीं ये जेनिटल चेंबर बताया ना भाई सातवां आठवां नववा खंड मिलकर बनेगा यह पूरा जेनिटल चेंबर कौन सा खंड है सातवां आठवां और नववा अभी आकारि की मैं बताया था अब देखो बच्चों निषेचन के बाद जो निषेचित अंडे हैं ठीक है निषेचन के बाद जो निषेचित अंडे हैं उन पर एक कैप्स्यूल का आवरण लगेगा क्या होगा बच्चों एक कैप्स्यूल का आवरण लगेगा और उसे हम क्या कहेंगे ऊथे और ये कैप्स्यूल का आवरण कौन निर्मित करेगा कोलैट्रल ग्रंथियों के द्वारा सही देखो बच्चों निषेचन हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया निषेचन के बाद अंड कोशिका निषेचित हो चुकी है उसके बाहर एक आवरण या कैप्सूल लगेगा और वो आवरण कौन बनाएगा कोलैट्रल ग्रंथियां और उस आवरण के बाद उस संरचना को क्या कहेंगे ऊथिका उस आवरण के बाद उसे क्या कहेंगे ऊथिका तो जो मादा कॉकरोच है बच्चों मादा कॉकरोच एक बार में एक बार में नौ से दस ऊथिका बनाती है मादा कॉकरोच एक बार में कितने ऊथिका बनाती है बच्चों नौ से दस और प्रत्येक ऊथिका में प्रत्येक ऊथिका में चौदह से सोलह निषेचित अंडे होते हैं सही प्रत्येक ऊथिका में कितने अंडे होंगे बच्चों चौदह से सोलह निषेचित अंडे क्लियर है बच्चों क्लियर है बात सबको बस अब आखिरी पॉइंट रह गया है भाई अब एक आखिरी पॉइंट रह गया है ऊथिका क्या होता है बेटा ऊथिका एक आवरण है जिसके अंदर निशेचित अंडे हैं। मान लो ये निषेचित अंडे हैं बेटा आप लोगों के पास ये चौदाह मतलब ये ये निषेचित अंडे हैं। इन निषेचित अंडों के बाहर एक आवरण लगा हुआ है इसे हम ऊथिका कहते हैं आवरण जिसके भीतर निषेचित अंडे होते हैं ठीक है विकास जी अब देखो बच्चों अब कॉकरोच में विकास अब आखिरी में आपको ध्यान में रखना है कॉकरोच में विकास या डेवलपमेंट तो एनसीआरटी में दे रखा है बच्चों पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है इनका विकास पौरा मेटाबोलस प्रकार का है पौरा मेटाबोलस प्रकार का विकास है यानी अपूर्ण है अपूर्ण का मतलब बच्चों इनका लार्वा जो है उसे निम्फ कहते हैं और वो वयस्क के समान ही होता है उसमें वो उसके सारे लक्षण एडल्ट के समान ही हैं। तो उनमें क्या होता है बच्चों इसमें तेरा निर्मोचन होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं मोल्टिंग्स और यह में परिवर्तित होता है एडल्ट में सिर्फ फर्क कितना होता है बच्चों पंख नहीं होते केवल अंतर क्या है निम्फ में पंख नहीं पाए जाते और वयस्क में पंख होते हैं यह आपने देखा भी होगा बच्चों आपने ये छोटे छोटे कॉकरोच देखे होंगे जो उड़ नहीं पाते हैं इसका मतलब वो निम्फ उसका लार्वा है और लार्वा और एडल्ट बिल्कुल एक जैसा दिखता है सिर्फ पंख का फर्क होता है निम्फ में लार्वा में पंख नहीं होते और वयस्क में केवल पंख होते हैं तो केवल विकास के दौरान पंखों का ही निर्माण होता है आ गई बात सबको समझ में हाँ बहुत देखे होंगे भाई कॉकरोच तो बिल्कुल देखे होंगे आप लोगों ने आ गई बात देखो एनसीआरटी का एक एक पॉइंट बता दिया बच्चों ठीक है एक एक पॉइंट जो है वो बता दिया एनसीआरटी में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो रहा है याद रखना देखो बेटा ईमानदारी से यूट्यूब पे तो मिल सकती है YouTube पे वन शॉट बता रहा हूं उसको सही तरीके से पढ़ोगे नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल नंबर अच्छे आएंगे आप लोगों ठीक है बच्चों तो ये तो क्लियर है चीज बाहर आके हां बाहर आके मैच्योर होंगे ऊ था के बाहर ये बाहर शरीर के बाहर परिपक्वन होगा इसका अब देखो बच्चों एक दो चीजें मैं आपको बता रहा था ये तो मैंने आपको आ, बता ही दिया है सिस्टम अब सबसे पहली चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है ये तो मैंने अपना कॉकरोच का वन शॉट तो बता ही दिया है सबसे पहली चीज यह है बच्चों की अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है तो आज बता रहा हूं यहां पर स्पेशल क्लास का जो समय है वो आज सवा बारह बजे रहेगा और इसमें हम कॉकरोच के एमसीक्यूज़ करेंगे तो कॉकरोच आपका पूरा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा भाई थ्योरी हमने पढ़ ली एनसीआरटी के सारे पॉइंट्स हमने देख लिए अब कॉकरोच से संबंधित जो भी एमसी आपको करने हैं आज हम स्पेशल क्लास में करेंगे सवा बारह बजे एक तो पहली चीज ये बता दी अन अकेडमी ऐप पे जाकर आप मुझे फॉलो कर लेंगे और फॉलो करने के बाद आप ये प्रथम कोड डालेंगे तो आपको मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करने को मिलेगी ये स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री है ठीक है फिर जो भी उसके बाद बच्चों हमारे पास आइकॉनिक और प्लस के कोर्सेज हैं जो एक साल के कोर्सेज हैं और ये आइकॉनिक और प्लस के कोर्सेज में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी मेरे से टेस्ट एनालिसिस मिलता है पूरा स्टडी मटेरियल आपको पूरा हिंदी में मिलेगा और पूरे साल भर का कोर्स प्लानर आपको पहले से ही मिल जाता है ठीक है अगर आपको इस पूरे यूट्यूब पे आपको मेरा पूरा शेड्यूल जानना है या शेड्यूल के टाइमिंग्स क्या क्या होते हैं तो शेड्यूल के लिए हमारे पास ये आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं अन अकेडमी नीट विजय का टेलीग्राम चैनल है ये सारा शेड्यूल और डिटेल्स इसमें आती है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है आइकॉनिक और प्लस कोर्सेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब आपको यहां पर बताने जा रहा था वो यहां पर चार मई से चार मई से लक्ष्य बैच यानी हमारा हिंदी में क्रैश कोर्स चालू होने वाला है बच्चों और इसकी प्राइस मात्र कितनी है नाइन 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 इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड डाल दोगे प्रथम रेफरल कोड डाल दोगे प्रथम तो आपको दस परसेंट डिस्काउंट और मिल जाएगा मतलब अट्ठारह सौ रुपए में आपको अस्सी दिनों का क्रैश कोर्स मिलने वाला है जिसमें हम कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे और इस तरह से बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री भी है बच्चों फिजिक्स के लिए आपके पास शुभम पारिक सर हैं केमिस्ट्री के लिए अनु विशेष सर हैं ये तो है ही बट आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि हम कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे नेनसीआरटी पूरा कंप्लीट कराऊंगा और हलवा लगेगी बायोलॉजी तो आप चाहें और आप या अपने दोस्तों को बता सकते हैं और मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कर सकते हैं ठीक है भाई तो बाकी मैंने चीज़ें आपको बता ही दी हैं बाकी हम लोग स्पेशल क्लास में मैं आपका वेट करूंगा स्पेशल क्लास सवा बारह बजे है उसमें आप कॉकरोच के एमसीक्यूज अगर करना चाहते हैं तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उससे चीज सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी सारे चैप्टर्स जो हैं वो चार मई से जो क्रैश कोर्स चालू हो रहा है जब मैं आपसे कह रहा हूं कंप्लीट बायोलॉजी का मतलब है पूरी बायोलॉजी कराई जाएगी और इतना याद रखना बच्चों यूट्यूब में इस वीडियो से उस वीडियो में भटकने से बेहतर है तरीके को या अपने तैयारी को सिस्टमैटिक तरीके से बेहतर बना दो ठीक है बच्चों चलो फिर बहुत बहुत धन्यवाद